है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर दौरे के दूसरे दिन आज नादौन में भाजपा सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और 10 गारंटियां केवल झूठी घोषणाएं हैं जिनका जवाब प्रदेश की जनता मांग रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को 5 लाख युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को 1500 रुपए देने के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस न खुद काम करती है और न ही दूसरों को काम करने देती है। कांग्रेस का काम केवल ऐसा वातावरण खड़ा करना है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, सारी गारंटियां फेल हो गई, 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहाँ है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियां जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में आपस में तकरार देखने को मिल रही है, जिसके चलते कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पा रही है। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है, इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं और कई और जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे हैं, क्योंकि नहीं मिलती कि आपका नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, और आगे भी नहीं मिलने वाली। वहीं ईडी की कार्रवाई से भाग रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के सामने जवाब देने से कतरा रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो जांच से आखिर क्यों भाग रहे हैं। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पर ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना जाँच का सामना कीजिए।